बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों की बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना 56वां योम तासीस इस दफ़ा क्वेटा में मनाने जा रही है। 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्वेटा में जमा होगी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कश्मीर में भी अपने योम तासीस के प्रोग्रामात किए हैं। इस दफ़ा जो है इस्लामाबाद में भी एक योम तासीस ने किया। इस दफ़ा हम अपना योम तासीस क्वेटा में मनाने जा रहे हैं। हमारी जितनी भी लीडरशिप है चारों सूबों की, कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ पर जमा होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब 30 नवंबर को ख़िताब करेंगे अपने कारकुनों के साथ, अपने पार्टी के दोस्तों के साथ। और मुस्तकबल का जो रोड मैप है वो अपने रखेंगे। इलेक्शन के हवाले से बातचीत होगी और फ्यूचर प्लान के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक पुरानी जमात है, एक जमहूरी जमात है जो आइन की, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जमहूरी इकदार की बात करती है। और हम हमारे पार्टी के वर्करों को हमेशा खुशी होती है कि जब हमारे योम तासीस का फंक्शन होता है तो हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के दोस्त इकट्ठे होते हैं। और इस दफ़ा क्वेटा की सर्दी में इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे होंगे और ठंडी हवाएं चलनी है क्वेटा से, और वो ठंडी हवाएं इंशाल्लाह जब इस्लामाबाद पहुंचेगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में जो इलेक्शन होगी उसमें हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नंबर गेम के ज़रिए जो इंशाल्लाह ताला जो है अपनी जो है वो हुकूमत बनाएंगे। हम उस बलूचिस्तान सूबे में जा रहे हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब होने के बाद उन्होंने फेडरेशन की तरफ से बलूचिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगी थी कि फेडरेशन की तरफ से जो गिले शिकवे आपको हैं मुझसे माफ़ी मांगते हैं और हम अपने मुस्तकबिल का सफ़र शुरू करते हैं। आपने देखा कि आगाज़ हकूक बलूचिस्तान हो या बलूचिस्तान के नौजवानों के रोज़गार के हों या बलूचिस्तान में तरक्की की राह पर जो है गामजन होना हो, अपना नौजवानों को रोज़गार देना हो, तालीम देनी हो, और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ अचीवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कि जब सी पैक की संग बुनियाद रखी गई तो सबसे पहले बात गवादर पोर्ट की थी। गवादर पोर्ट हमने सिंगापुर से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने जो है वो चाइना के हवाले किया, और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी काबीना की मीटिंग कॉल की और उस काबीना की मीटिंग में जो है ये वहाँ पर जो है ये मंजूरी हुई और सी पैक और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र वहाँ से उसका जो है वो आगाज़ हुआ। और जो पहले जिस तरीके से हमारी अपोजिशन उस वक्त हम पे तनकीद करती थी कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने 11, 12 या 13 दौरे चाइना के किए, क्यों किए, किस लिए गए, क्या कर रहे हैं, तो जब उनको पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब किस लिए गए तो पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान ने उसको जो है खराज तहसीन पेश किया कि हमने एक सी पैक की जो है वहाँ पर जो है वो बुनियाद रखी गई। आपने देखा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किए। 6 वर्कर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने किए जिसमें वो, जैसे आपको पता है कि अबटाबाद गए, मर्दान गए, पिशावर गए, नौशेरा गए, दीर का वर्कर कन्वेंशन जलसे की सूरत इख्तियार कर गया, चतराल का भी वर्कर कन्वेंशन जलसे की सूरत इख्तियार किया। जो रेस्पॉन्स खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया वो सब के सामने है। क्वेटा के दौरे के बाद हमारा जो सेकंड फेज़ है अपने वर्कर कन्वेंशन का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं तकरीबन 7 दिसंबर से, अभी डेट फिक्स होगी लेकिन तकरीबन हमारा ये है कि 7 दिसंबर से जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर आ रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं जिसमें वो जो है वो शांगला जा रहे हैं, तीमरगरा जा रहे हैं,
कोहाट भी जा रहे हैं, पिशावर में ख़वातीन गालिबन कन्वेंशन हो रहा है, ख़वातीन कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे, और पिशावर में ही पिशावर हाई कोर्ट बार की दावत पे हाई कोर्ट बार से भी जो है ख़िताब करेंगे। तो ये उनके दौरों का जो है वो सेकंड फेज़ जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो जो है उसके बाद वो पंजाब और साउथ पंजाब की विज़िट भी करेंगे। इस दौरान जब शेड्यूल आएगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे, और हर डिवीज़न या जिधर भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में अवामी जलसों से अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए खिताब वहाँ पर जो है उनके लिए मुहिम चलाएँगे। इसी अस्ना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई कि जो तमाम या जो है पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगी। कल उस कमेटी की पहली मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की थी। नैर हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैर बुखारी साहब की सरबराही में उसके कुछ सफारशात उसके टी ओ आर्स और सफारशात लीडरशिप को भेजी गई हैं, और उसमें जो है लोगों को टास्क भी दिया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो है वो लोगों से पर्सनैलिटी के साथ जो है वो रबता भी करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन में तकरीबन अपने मंशूर के साथ आवाम में जाएगी, और उसके बाद जो है हमारा जो फोकस है वो इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद का, कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो हम जो है वो इत्तेहाद जो है अपने इत्तेहादी जमा के साथ बनाकर हम हुकूमत की तरफ इंशाल्लाह गामजन होंगे। बहुत सी बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं, बहुत सी बातें हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर तनकीद भी हो रही है। हम क्या तनकीद करें जब PMLN के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते, और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, 16 महीने की बात वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको भी याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई और 20 MPS की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और 2 MNAs की इलेक्शन हो रहा था, तो हमने कहा था कि हम मुत्तफिका तौर पर मिलकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमें कहा नहीं, आप 2 MNA का इलेक्शन लड़ें पंजाब में, क्योंकि हम इस वक्त हमारा CM है, मरकज़ में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो पंजाब हमें दे दें और हम पंजाब में लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 2 MNAs के इलेक्शंस में मुल्तान में और कराची में कामयाबी हासिल की। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में, जब उनकी हुकूमत थी, उनका बहुत मजबूत बयानिया था, उनकी हुकूमत में 20 सीटें में से एक सीट जीती 7 वोटों से, और वो भी उन्होंने कहा था कि हम 15 जो है 15 सीटें क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 2-3 पे हमारा PTI जीत रही है और 1-2 पे हमारा मुकाबला ऐसी था, और आज वो दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीत रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आवाम जिसको मैंडेट देगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है, PMLN को देती है, PTI को देती है, किसी भी जमात को देती है, या आवाम का जमहूरी हक है कि वो जिसको भी मैंडेट दे उसका जो है उसको हुक्मरानी करनी चाहिए। हमारा बिल्कुल यही मुतालबा हमेशा रहा है, और हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब की, मैं समझता हूँ कि उसमें क्या कहें वॉच ऐसे या वो जो निगरानी जिस तरीके से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है, तो आप इस मुल्क को खुदा ना खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है, आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे, ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सेलेक्शन और एक लाडले ने इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए, या आज जो हम सफ़र कर रहे हैं। तो क्या आपने, हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नज़रियाती बन चुके हैं, वोट को इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन आप तो दोबारा उसी, इतने मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत में दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं, तो फिर इतनी मुश्किल से गुजरने की ज़रूरत क्या थी? फिर आप जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है।
आज तो बात ही नहीं करते उसकी, आज तो आप वोट को इज्जत दो की बात नहीं करते, आज तो आप ये नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला, आज तो नहीं कहते कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। चलो एक चौथी बात थी जो कह रहे थे कि मैं लोगों को गरेबानों से पकड़ के हिसाब किताब लूँगा, वो आपका एक ज़ाती फेल था, आपका एक ज़ाती मसला था जो आपके आपने कहा था कि मेरे साथ इन इन लोगों ने ज़्यादती की है, तो वो अगर आपने माफ़ कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये तो कम अज़ कम करें कि वोट को इज़्ज़त तो दिलवाएं, आप दोबारा नज़रियाती तो बन जाएँ। आप जो है अगर इस किस्म के, माजी में जो है कहा जाता था कि इमरान ख़ान साहब को अगर लाया गया था तो वो दूध में पानी मिलाया गया था, तो इसको अगर अगर खुदा ना खासा लाया गया तो इसको इसमें तो फिर पानी में दूध मिलाया जाएगा, ऐसे तो इस वैसे तो वो नहीं आ सकते। लिहाजा इस मुल्क में इस वक्त मैं समझता हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, आवाम का मैंडेट जिस जमात को मिलता है, और उसके बाद जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की कि एक कंसेंसस हुकूमत, हमारी एक इत्तेहादी हुकूमत, हम जाएंगे अपने इत्तेहादी जमातों के पास, अपने दोस्तों के पास कि हमारे पास ये नंबर्स हैं और हम इस नंबर के ज़रिए हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत बनाएं, और इंशाल्लाह ताला हम अपने नंबर गेम के ज़रिए जो है वो हुकूमत बनाने जो है वो जा रहे हैं। इस वक्त जो है आप देखें कि 1.5 से 2 करोड़ जो है यूथ जो है वो नया वोटर आपका आ गया, आपकी मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त यूथ या 60% 65% तक आबादी आपकी यूथ की है। जो कनेक्टिविटी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो यूथ को पैगाम दे रहे हैं, नौजवानों को जो पैगाम दे रहे हैं, नौजवानों के एक लीडर हैं जो है वो आप सब के सामने, कि वो जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, आप कंपैरिजन करें, आप ख़ुद एक हिसाब लगाएं कि एक मिट्टी में एक जलसा हुआ सिंध के दूर दराज इलाके में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को देखने के लिए लोग बग़ैर किसी वसायल के वहाँ पर पहुँचे, और एक मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ, स्पॉन्सर्ड जलसा, वो भी आप देख लें, आप लाहौर को और मिट्टी को कंपेयर करें। उसके बाद मिट्टी के बाद हमने वर्कर कन्वेंशन किए 5-6 और हम आगे भी करने जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्स दिया PMLN ने, उन्होंने हैंड ब्रेकें खींच ली और उसके बाद कोई वर्कर कन्वेंशन कोई जलसा नहीं हुआ। अवाम में जाने से डरते हैं, हम तो कहते हैं अवाम में जाएँ, अपना मंशूर लेकर जाएँ, अपना बयानिया लेकर जाएँ और अवाम को फैसला करने दें कि अवाम ने क्या फैसला किया। कुछ लोगों ने हमें TV पर भी, आप ही भी सवाल होंगे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी ट्रेनिंग में हैं या बच्चे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, लेकिन ये बात ना भूलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं, अगर वो 50 साल के भी हो जाएंगे उनके लिए वही बच्चे रहेंगे। आज आप कंपेरिजन करें ना, नवाज़ शरीफ साहब की जो है उसके लिए मरियम नवाज़ आज भी बेटी है, हालांकि वो नानी बन चुकी है, लेकिन उसके लिए आज भी बेटी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, अल्लाह उनकी हयाती करे, लेकिन उनके लिए तो आज भी वो बच्ची है चाहे वो जितनी भी बड़ी हो जाए। लिहाजा हर वालदैन के लिए जो उनकी औलाद है वो बच्चे ही होते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। हम यही आवाम को पैगाम देते हैं कि अगर रोज़गार की बात हो, अगर पेंशन बढ़ाने की बात हो, अगर तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो, जो भी सहूलियात जब भी हुई, चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इस वक्त 95,000 खवातीन बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। आज जो लोग 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर की बात करते थे, इस वक्त जाएँ प्रैक्टिकली थर्ड कोल में जॉब्स देखें कितनी नौकरियाँ लोगों को मिली हैं। आप सैलाब में जो मकानात लोगों के गिरे थे, आज 20 लाख घर पक्के मकानात सिंध में जो है हुकूमत सिंध उनके लिए बना रही है, और उनके मालकाना हकूक उस घर की सरबरा खातून को उसको मालकाना हकूक मिल रहे हैं, और ये हमारा वादा पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान की खवातीन के साथ। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमने चलाया, हमने पिछली भी हुकूमत में हमने उसके लिए 2,000 इजाफा किया, हम उसकी किस्त में और भी इजाफा करेंगे, उसके जो है उसके मेम्बरान को बढ़ाएँगे, और साथ साथ जहाँ जहाँ पर भी कच्ची आबादी है पाकिस्तान में उनको मालकाना हकूक देंगे, उनके खवातीन के नाम पर मालकाना हकूक देंगे। और ये पाकिस्तान का जो है वो पीपल्स पार्टी का मंशूर है। जैसे हमने सिंध की फैसिलिटी, सिंध में देखें हेल्थ फैसिलिटीज़ देखें, NICVD देखें, SIUT देखें, साइबर नाइफ हॉस्पिटल्स देखें, लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत इंशाल्लाह आती है, हम पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि गरीब लोगों का उसमें मुफ्त इलाज हो। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दाएं से शुरू,
आपने जैसे आपने बहुत सोया और जैसे पीपल्स पार्टी ने भी अपने विंग डिजिटल मीडिया भी मुतारिक होने का फैसला किया, इतलात भी हैं, क्या इनकी जो जो आपके एक कारनामे हैं पीपल्स पार्टी के, आप इनको आवाम तक मीडिया पर आप मुतारिक हो रहे हैं, और क्या आसफा गुट्टू जरदारी भी बिलावल के साथ पंजाब में पंजाब का रुख करेंगी? मीडिया जो कि पूरे पाकिस्तान में वो इस चीज़ को आगे बढ़ा रही है, हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर घर घर लेके जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हमारा जो मंशूर है वो घर घर लेके जाएंगे, और ये चीज़ें जो हम आपको आज बता रहे हैं ये हम हर जगह पे हर पाकिस्तान के हर कोने तक ये चीज़ पहुँचाएंगी। आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कम्पेन करेंगी, जिस जिस तरीके से पार्टी उनको टास्क जो देगी वो उसी टास्क के मुताबिक जो है वो इलेक्शन कम्पेन भी करेगी, जो भी टास्क उनको मिलता है पार्टी की तरफ से उस टास्क को जो है वो निभाएंगी। देखिए, इस कमेटी कल पहली मीटिंग हुई जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की थी, उसमें मैंने शिरकत की, अपना नीर बुखारी साहब थे, हमारे सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाजा साहब थे, कायरा साहब और साजिद तूरी साहब जो है वो हमारे साथ वीडियो लिंक पे थे, उसके हमने कुछ टीओआर्स बने, कुछ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी, हम जो पर्सनलिटीज़ इलेक्शन की जो इलेक्शन लड़ रही हैं कहीं पे हमारे सूबों में या इलाकों में डिवीजन के हवाले से कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात आती है, तो उस हवाले से हमने किया है कि वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो उनकी सिफारशात जो हैं वो हम सूबे या मरकज़ तक पहुँचा कर उनको गो अहेड देंगे, कुछ चीज़ें जो है वो इलेक्शन के बाद होंगी। इलेक्शन के बाद भी ये कमेटी या एक और डेफिनेटली मुख्तलिफ कमेटियाँ बनेंगी जो कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से बात करेगी। मिसा के जो मईशत है इस मुल्क के लिए जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहें, चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहें, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी बुनियाद रखने के लिए आपको इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर आप बोलें कि नहीं हमने लोगों को सेलेक्ट करके लाना है और लाडला बना के लाना है, और उसके साथ जैसे पिछली दफ़ा भी एक लाडले को लाया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इनको कुछ टाइम दें, मीडिया वाले ज़रा गुजारा करें, 9 महीने थे 6 महीने थे कि साल जरा इसको दें, ठीक है, अगर साल इसको दें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, हमने साल नहीं उसको तो हमने 3.5-4 साल भी दे दे कुछ नहीं कर सका। लिहाजा ये है कि उसके लिए बुनियादी ज़रूरत जो है इस मुल्क में कंसेंसस हुकूमत बनाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जब वो होगा, हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, आप लोगों ने कल से कह दिया, पता नहीं इलेक्शन भी डाउटफुल कर दिए, लेकिन ये चीज़ें इलेक्शन से दाएँ बाएँ करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि टाइम पे पहले दिन से हम कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान एक एटमिक कंट्री है, एटमी मुल्क को आप एडॉक पे नहीं चला सकते, एटमी मुल्क को एक मजबूत पार्लियामेंट की ज़रूरत है, एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है ताकि मुल्क आगे लेकर चले। जी सर, देखें 30 नवंबर को ठंडी हवाएं चलनी है क्वेटा से, आप आएँ नवंबर को आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो यौम तासीस पे खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है एक स्ट्रक्चर है, अगर आप टिकटों के हवाले से कहें, हमारी डिविजनल जो कमेटी होती है वो सूबे को सिफारशात भेजती हैं, सूबे फिर मरकज़ी कमेटी को भेजती है और उसके बाद टिकटों की तकसीम होती है। हमारे मेजॉरिटी फैसले जो फैसले होते हैं वो होते हैं हमारी सीसी के ऊपर, सीसी फैसले करती है कि हमने ये करना है, तो उसके ऊपर जो है हम वो एक सबसे मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा फोरम है पार्टी का, उसके बाद जो है ये सारे मुतफ़िका तौर पर एक फैसले होते हैं और उसके बाद उस फैसलों को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है उसके ऊपर जाते हैं। सीसी हमारा फोरम है जो कि फैसले करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो झुकाव सिर्फ और सिर्फ आवाम की तरफ है, हम कभी भी ये नहीं समझते, हम समझते हैं कि अगर हम सेलेक्ट होकर आए खुदा न खास्ता या लाडले बन कर आएँ, उससे अच्छी बात है कि हम अपोजिशन में बैठें और आवाम का जो है वो मुकदमा जो है वो लड़ें। लिहाजा हम कहते हैं कि आवाम और ये जो अंगूठा है इसकी ताकत जो है सबसे वो है, इलेक्शन के दिन ये अंगूठा चलता है, ठीक है, जिनके झुकाव इस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर वो कहते हैं कि हम सेलेक्ट होकर आएँ और लाडले बन कर आएँ और नौकरी करें, तो फिर मैं उनके लिए क्या, उनके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। तो जाहिर है ज़्यादा थोड़ी नहीं,
पार्टी को क्या जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में लोग शामिल हो रहे हैं, तो कुछ इतराज ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से लोगों को रोका जा रहा है, तो ये कितनी हकीकत है? और जो अफवाहें आ रही हैं वहाँ बैठने में लड़ाई थी कि अचानक जो है वो दुबई चले जाते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई होती है, तो इसमें क्या हकीकत है, ये खबरें कहाँ से आती हैं? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाज़े हर किसी के लिए खुले हैं। हमारे अभी भी लोगों के साथ मज़ाकरात शुरू हैं, लोग शामिल होना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल नहीं हैं। कहीं पे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो हमारे पुराने दोस्त हैं, उनकी कुर्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत नहीं दे सकती, क्योंकि जिन दोस्तों ने मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ गुजारा, अगर आप वो कहें कि जी नहीं आज आप जो है वो आराम से बैठ जाएँ, फिर हाल वही हमारा भी होगा। जो 20 सीटें हम पंजाब में, जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो ज़िमन इलेक्शन था और फिर वो एक जीते और 19 फिर हारे, लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। हमें अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आ रही कि हमारे लोगों को किसी को रोका जा रहा है और किसी और पार्टी की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर लेवल पर इलेक्शन लड़ा है, ज़ैउला के मार्शल्ला में भी लड़ा है, मुशरफ के मार्शल्ला में भी लड़ा है, हर किस्म के इलेक्शन देखें, और हमें इलेक्शन हर जो है लेवल पर इलेक्शन लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है इंशाल्लाह ताला। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं हमने कभी ये नहीं, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जब हमने बात की सिविलियन कुछ इदारों के हवाले से, उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2-3 दिन पहले एक्शन भी लिया, प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उनको उन्होंने लेटर भी लिखा, चीफ सेक्रेटरीज को भी लिखा, और हमें उम्मीद है कि जब ये डिलिमिटेशन से 1-2 दिन में फारिग होते हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी, और हमें पूरा यकीन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर कि वो और निगरान हुकूमत पे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में कराएगी और एक तारीख अपने नाम जो है वो रकम करेगी। देखें, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई फैसल साहब से, ऐसे कहीं मतलब जिसमें मुलाकात आप कहें हैंडशेक से के अलावा, मैंने उनको पार्लियामेंट में देखा, और शायद आपने भी देखा जब गोल्डन जुबली थी आइन की, तो उनकी मैंने तकरीर सुनी थी और आपने भी सुनी होगी, और तकरीर के दौरान उन्होंने आइन की किताब को लहराया था कि आइन की किताब है, इसके ऊपर बोल चलना है। हम समझते हैं कि फैजी साहब के होते हुए इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, वो जो है मैं कहता हूँ कि अगर हमारी जो अदलिया है अगर वो अदल और इंसाफ करेगी तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। क्यों मुलतवी होंगे, हम समझते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें सूरत हाल जो कुछ जगहों पे बताई जा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं क्योंकि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, या बलूचिस्तान में अगर आप देखें हमारे साउथ खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस वक्त भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवान, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे जो है अगर आप देखें रोज़मर्रा के हिसाब से, कल भी बनू में खुदकुश धमाका हुआ है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवान और पुलिस के नौजवान जिस तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, इस तरह बलूचिस्तान में भी अगर देखें हालात तो 2013 में भी ख़राब थे और 2018 में भी ख़राब थे, हालात तो अफगानिस्तान में भी जंग हो रही थी और इलेक्शन हो चुके थे। अगर आप बोले कि इन हालात की वजह से हम इलेक्शन मुलतवी करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा बहाना है। जो लोग अवाम के अदालत में जाने से डरते हैं वो ये बहाने ढूंढ रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ और शायद अवाम जो है वो हमारे जो चीज़ें उनको भूल जाएँ और कोई नई उनका जो है वो आ जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए, इन टाइम होने चाहिए। आपके एक सवाल का जवाब मैं भूल गया देना, आपने कहा था कि देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब दुबई गए थे वो अपने शेड्यूल के मुताबिक गए थे, चतराल से आए और नेक्स्ट डे उन्होंने जो है वो कराची से दुबई जाना था, और वो जब इंटरव्यू आया था उससे पहले वो दुबई, मैंने उसकी वजाहत पहले कर चुका था टी वी प्रोग्राम्स में भी और उस पर मैंने ट्वीट भी की थी, और कोई भी जो है वो डिफ्रेंसेज नहीं हैं। 30 नवंबर को जब यौम तासीस होगा तो वहाँ से आपको जो है इंशाल्लाह आपको भी दावत है, आप भी कोटे की सर्दी की शामें जो है आप भी गुजारने के दो। ठीक, थैंक यू जी। सॉरी एक सेकंड, हमारा एक रह गया, हमारी ह्यूमन राइट सेल की जो है ना मरकजी जनरल सेक्रेटरी, ये भी कोटे जा रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा ह्यूमन राइट के हवाले से एक एक्टिविटी है उसके मुतालिक बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, समाना मलाइका रज़ा, जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स सेल। अभी कुंडी साहब शुरू में जो बात कर रहे थे कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा सारे सूबों में
उसका एक फोकस होता है हर तरह से डेवलपमेंट के लिहाज से, यूथ के लिहाज से, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिहाज से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का आगाज़ जो है वो जरदारी साहब की हुकूमत में हुआ था। उसी सिलसिले में हम एक और इवेंट ह्यूमन राइट्स का रखने जा रहे हैं कल शाम, जिसमें हम यूथ और ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे। एक तो ये मकसद है उस छोटे इवेंट का, जलसे से पहले का, कि सिविल सोसाइटी से मिलें, जितनी भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स हैं लोगों के, उसके बारे में बात की जाए। दूसरा, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो के लिए काम कर रही है, और बाकी पार्टीज़ की तरह हम लोग जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के या किसी एक ऑफिस में बैठ के मैनिफेस्टो नहीं बनाते। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, कि आप हर सूबे में और डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, आप उनसे मिलें, स्टूडेंट से लेके, ख़वातीन से लेके, ट्रांसजेंडर से लेके, हर कम्युनिटी के उनके मसाइल जाने और उनसे सजेशंस ली जाएं अपने मैनिफेस्टो के लिए। तो दूसरा मकसद जो है वो हमारी जो कल एक छोटी सी मीटिंग हो रही है, जिसमें फरहतुल्लाह बाबर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स सेल के, वो भी होंगे, कि हम बलूचिस्तान के लोगों से ये सजेशंस भी लेंगे और उनके जो कंसर्न्स हैं ओवरऑल ह्यूमन राइट्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, थैंक यू सो मच।